नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआर साइंस गिफ्ट एंड पेंटिंग में। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो सबलिमेशन मशीन मेंटेनेंस के ऊपर लेकर आया हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो हमारी मशीन है काफ़ी पुरानी हो गई है और टेफ्लोन सीट इसका फट गया है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि किस प्रकार से इस मशीन को खोलना है और टेफ्लोन सीट को चेंज करना है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके जो नट हैं ये पूरा खोल देंगे। तो इसमें चार नट्स लगे होते हैं और चारों कोने पर लगे होते हैं। तो ये जो पेचकस है, ये स्टार पेचकस है, इसकी मदद से आप ये नट्स खोल सकते हैं। तो हमने ये सब पेच निकाल दिए हैं, बाकी के पेच आपको संभाल के रखने क्योंकि वापस भी हमें लगाना है। अब हमें क्या करना है, तो हमने ये चार पेचेस निकाल दिए, अब आपको ये वाले नट भी निकालने हैं। तो ये हम प्लास की मदद से निकाल दे रहे हैं। अगर आपके पास प्लास है तो प्लास का यूज़ कर सकते हैं, बाकी का रिंच का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एडजस्टेबल रिंच उसका भी। तो ये चारों पेच अब हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर देता हूँ जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो हमारे दो तीन पेचेस निकल गए हैं, नट निकल गया है, बाकी का एक रह गया। तो इसको भी हम प्लास की मदद से इसको ओपन कर लेंगे। तो मशीन काफ़ी पुराना हो गया इसलिए थोड़ा सा हार्ड है इसको ओपन करने में। तो जो हमारा ये मशीन है ये 15x15 का मशीन है, तो इसमें हम टेफ्लोन लगाएंगे दूसरा वाला। तो अगर आपको भी इसी प्रकार से टेफ्लोन सीट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। डिलीवरी हमारा पैन इंडिया रहता है, आपको टेफ्लोन सीट मशीन का हमारे पास मिल जाएगा। तो ये भी चलिए खुल गया, अब हम इसको ऊपर उठा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सीट ऊपर हटानी है। तो थोड़ा आपको सेफ्टी से काम करना है। तो सीट हमने हटा दी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा आ गया। तो आपको जो ये पेच दिखाई दे रहे हैं, अब ये जो स्टार पेच का है इसकी मदद से आपको ये सब पेच हटा देने हैं। तो आप देख सकते हैं टेफ्लॉन सीट इसी में ये टाइट रहता है। तो हम ये सब पेच हटा देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं दोबारा स्किप कर देता हूँ, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ किस प्रकार से हम ये कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको ये सारे पेच निकाल देने हैं। तो पेच निकालने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ये पेच हटा दिए, अब हम इसकी टेफ्लॉन सीट निकाल देते हैं। तो इसको पकड़ लेते हैं एक बार के लिए। तो सीट हमारा निकल गया, आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास टेफ्लॉन है हम उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ ले लेते हैं। तो टेफ्लॉन जो है ये मीटर के अकॉर्डिंग आता है पूरा। तो साइज़ हमने ले लिया था, बाकी का कटिंग भी हमने कर दिया। तो हम वापस इसको टाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पेच लगा देते हैं, जितने भी हमने पेच निकाले थे वो सब सेफ्टी के साथ ही हमने रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जिस जगह जो पेच था वही हम वापस टाइट कर रहे हैं। तो आपको ये सेफ्टी से काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में है कि आपके चोट लगने के चांसेस रहेंगे, तो आप जल्दबाजी नहीं करिएगा, बिल्कुल प्रॉपर लगाइएगा। तो मैं ये पूरा ही आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर बाई जैसे लॉन्ग टर्म जब आप मशीन में काम कर लेते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो कैसे चेंज करें, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया था, कस्टमर ने करा था कि सर हमें काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अब तक ये कैसे चेंज किया जाता है वो हमें पता नहीं है। तो उन्हीं के कमेंट पर हमने ये वीडियो बनाया स्पेशली। तो इस टाइप से आपको ये धीरे धीरे जितने भी पेचेस हैं ये सब आपको इसमें टाइट करने हैं। तो ये आपको सीट भी बराबर रखना होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ ये एकदम टाइट करके हमें ये चीज़ रखना है। तो यहाँ से सब आपको एक एक करके करना है। तो इधर हमें कैंची से सीजर से हम कट लगा देंगे क्योंकि उधर आप देख सकते हैं तार जा रहे हैं। तो तार के अकॉर्डिंग ही, वायर के अकॉर्डिंग ही हम ये इतना कर देंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस प्रकार से सारे पेचेस आप देख सकते हैं हमने टाइट कर दिए हैं। और जो ये कॉर्नर ये ऊपर हो रहे हैं इनको हम इस प्रकार से फोल्ड करके साइड में दबा देंगे, जिससे कि जब ऊपर हम वापस इसकी ट्रे लगाएं तो ये बाहर नहीं निकले। तो हम इसको सेट कर देते हैं। तो सब कुछ सेट हो गया है, सीजर से भी हमने इसको कट कर दिया था, तो ये हमारा थोड़ा बहुत इसमें रह गया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं थोड़ा दबा देता हूँ जिससे ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए और जब हम प्लेट लगाएं तो प्लेट में अच्छे तरीके से आ जाए। तो इतना ये हमने कर दिया है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि जितना आराम से करेंगे उतना सही रहेगा, सेफ्टी बना रहेगा। तो ये इसी प्रकार से हम ये सारी चीज़ें मोड़ देंगे। तो यहाँ इतना हमने ये देख सकते हैं ये सारे हमने पेचेस टाइट कर दिए थे। तो एक दो पेच हमारे रह गए वो हम टाइट कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो वीडियो को भी हम बिल्कुल नहीं स्किप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो आफ्टर वो हमने करने के बाद ये ऊपर इसके ट्रे लगा दिया था, बाकी के जो हमारे नट हमने सेपरेट करके रखे थे वो सारे नट हम वापस लगेंगे। तो अभी क्या है, हम बैलेंस बना रहे हैं जिससे नट प्रॉपर तरीके से इसमें आ जाए। तो इसको हम उठा के थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ चारों पर हम बड़े वाले जो नट निकाले थे वो होंगे और साइड में जो छोटे वाले थे वो करने हैं। तो सिर्फ एक प्लास और एक स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने ये पूरी मशीन को खोला, टेफ्लॉन सीट लगाया और इसको वापस कर दिया। तो सिर्फ इन दो चीज़ों की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रिंच वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चैनल पे इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है प्रिंटिंग में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी एक सेपरेट वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे और अपलोड कर देंगे। तो मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आफ्टर ये सब कुछ मैं फिनिश करने के बाद आपको दिखाऊंगा मशीन का लुकअप कैसा गया। इससे पहले जो मैंने दिखाया था मशीन उसमें बिल्कुल फटा हुआ था और नीचे से ख़राब हो रहा था। तो थोड़ा बहुत इसमें पेच लगाने में प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ आप थोड़ा बहुत ये प्लास वगैरह या पेचकस को मार के इसको टाइट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको एडजस्टमेंट इसमें करना होगा, बाकी का कोई दिक्कत नहीं आता है। तो जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद का फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने सारे पेचेस वगैरह टाइट कर दिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, ये सब पूरा जला हुआ था, तो जब हमने इसको चेंज करा तो एकदम इसका नया जैसा लुक आ गया है। तो इसी टाइप से आप भी अपनी मशीन को नया कर सकते हैं। और चैनल पे आप बने रहिएगा, ऐसे हम सब्लिमेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मग डिज़ाइन हुआ, सब्लिमेशन टी शर्ट प्रिंट हुआ, सिपर बोटल प्रिंट हुआ, तो सारी सब्लिमेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।